Let's talk about yesterday's homework, right? I had asked you to do some work. I had asked you to measure some objects, and then I had asked you to estimate. What is estimation, right? So, Diksha, tell me. Yes, sir. Tell me, how long is your hall? कितने मीटर्स का है आपका हॉल? 1000 मीटर. 1000 meters, that is 1 kilometer. Is your home such? 1 kilometer. 1 kilometer. Okay. 20 meter. 20 meters, is it? 20 meters मतलब आपको लगता है कि 20 meters होगा वो? Centimeter. Centimeter. 20 meters. 20 meters इतना बड़ा हॉल है आपका? 20 meters. 20 सेंटीमीटर बस इतना ही है, इतना 20 सेंटीमीटर इतना हॉल है आपका? हाँ, 20 मीटर्स मतलब 20 मीटर्स मतलब कितना ऊंचा हो गया पता है? 20 मीटर्स मतलब ऑलमोस्ट हमारी जो स्कूल है ना पूरी बिल्डिंग उतनी ऊंची हो गई. हमारी जो स्कूल जितनी ऊंची है ना उतनी करीबन हो गया वो. हमारे स्कूल के जितना हो गया वो उतना लंबा हो गया. तो डू वी हैव सच अ बिग प्लेस? डू यू हैव सच अ बिग हॉल? आपके पास उतना बड़ा हॉल है? नो. हाँ, यू हैव टू फाइंड आउट, यू हैव टू गेस प्रॉपरली. निर्वा, यस निर्वा, व्हाट इज द लेंथ ऑफ योर हॉल? देखा आपने? देखा तो सही. गेस करना क्या था तभी? हाँ, 30 सेंटीमीटर या नहीं, उतना भी नहीं. 30 सेंटीमीटर मतलब 100 सेंटीमीटर मतलब कितना? थोड़ा सा आपके ड्रेस जितना. 1 meter शायद. 1 meter. 1 meter मतलब आपका ड्रेस का लेंथ हो गया. आपका पूरा जो ड्रेस है ना उसके जितना हो गया आपका हॉल. मेरा हॉल तो इतना बड़ा. हाँ, तो ठीक है, एक काम करो. आपकी हाइट अभी कितनी है? आप सबकी हाइट अराउंड 120. तन्मय, वी विल गेट बैक टू यू. आपकी हाइट कितनी होगी? मेरी हाइट 152 या इतनी होंगी. 152 होगी. तो आप कितनी बार उसमें लेट सकते हो हॉल के अंदर? आप कितनी बार लेट सकते हो कि अगर इतना बड़ा हॉल है और आप इतने हो, देख रहे हो यहाँ पे, ये है आपका हॉल मान लो, ठीक है, और ये है आप, ठीक है, तो कितना लंबा हो गया? 1 2. तो ऐसे आप कितने कितने बार अंदर सो सकते हो? 1 end to other end. I think 3-4 times. 3-4 times. चलो मान लो 4 times है. मान लो कि 4 times है. तो 150 आपने कहा 152 के करीब होगा आपका हाइट है ना, राइट? 152 सेंटीमीटर, व्हिच इज 1 meter and 52 centimeter. तो हम उसको नजदीक ला देते हैं, राउंड ऑफ कर देंगे. क्या कर देंगे? राउंड ऑफ. लास्ट ईयर आपने इस लास्ट ईयर भी आपने राउंडिंग ऑफ सुना था. इस साल भी जब हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे, देन आल्सो वी हैड लर्नड हाउ टू राउंड इट ऑफ, हाउ टू राउंड ऑफ अ नंबर, है ना? तो 152 को अगर हम राउंड ऑफ करेंगे टू द नियरेस्ट 10, देन इट विल बी 150. तो 150 टाइम्स 4 कितना हुआ? जवाब दीजिए. 150 टाइम्स 4, मेंटल मैथ, कम ऑन. क्या बोला? 150 टाइम्स 4. चलो आप जवाब दो. 100. है 100. 150 टाइम्स 4 इज 100. 150 प्लस 150 कितना होगा ये बताओ. चलो 150 प्लस 150 कितना होगा? 200. 150 प्लस 150 200. 150 प्लस 50 इज 200, राइट? एंड देन देयर इज वन मोर 100, तो कितना हो गया? 300, राइट? यस जल, दैट्स करेक्ट.
and another 300 because it is 2 times, right? 2 times 2 is 4. So 154 times is equal to 600 centimeter. So 600 centimeter matlab kitna meter ho gaya? Six meter. Very good. That is correct. So aapka hall approximately, hai na? What is the word? Approximately. Shayad, kareeb. Hai na? That is the word. Okay. In Gujarati, we call it lagbhag. What is it called? Kadach. Very good. That is true. Yes. Very good. Right? Okay. So it is almost or lagbhag or kadach 6 meters. That is the length of your hall. Okay. Now you understand the importance of guessing. Right? Now, I will ask someone else. Okay. Yes, Rishiraj. Rishiraj, what is the length of your scooter? घर पे bike का scooter है घर पे? हाँ है. Okay. तो उसकी length क्या होगी? Estimate करना है. Right? You have to estimate. 100 centimeter, 200 centimeter. 172 centimeter. Okay, that is fine. Okay, lekin, okay, that is fine. Importance is when we are guessing, right? When we are estimating, we have to go for round figure. Hai na? Right? So 172, abhi bike badi hai na? Right? Bike is big thing. So we go nearby 100, right? We have to assume that okay, it is in multiples of 100 only. So we will say 172 ka near number kya hoga? Nearest 100. 172 hai, uska nearest 100 kya hoga? 100 ya 200? Rishiraj? 200. Very good. 200. Very good. That is correct. 200. So you are saying your bike is around 200 centimeter. That is how many meters? 200 centimeter. How many meter? Yes. 20 meter. How many centimeter is equal to 1 meter? 10 centimeter. Are? 100 centimeter is equal to 1 meter, beta. So 200 centimeter is equal to how many meters? 2 meter. 2 meter. Rishiraj, mummy ko bolo ki mummy ko help nahi karna hai. Question aapse pucha ja raha hai. Hai na? Okay, all right. चलो next पकड़ते हैं किसी और student को. किया. चलो आप बताओ. मैंने कहा था कि मम्मी की सारी कितने meters की होगी? Guess किया. Six meter. Very good. That is almost correct. Right? That is the closest answer. Very good. Good job kiya, right? Mom's sari are usually around that 6 meters. Sometimes mummy ko puchna ki mummy 9 meter ki sari kitni lambi hogi aur wo kaise pehante hai, ek bar pehen ke dikhao aapko, hai na? Aapko dikhayenge wo, right? She will help you understand what is the importance of a 9 meter sari, right? Nauwari sari in Gujarati it is called. It is very famous in Gujarat. Okay. All right, then we have got, who else am I going to ask? Dhruv Tiwari, I'm going to ask now. Where is Dhruv Tiwari? Dhruv Tiwari, yes. Speak up, beta. You tell me the length of distance, the distance from school to your home. Aapka ghar to nazdik mein hai. Aapke mummy ne mujhe bataya tha yahan pe jab milne aaye the tab. Where are you? Speak up, beta. Bolo kuch to bolo. 500 meters. 500 meters. अच्छा 500 meters. That is correct. आपका घर नजदीक में है तो उतना हो सकता है, right? Rishiraj ji, my hall is 50 meters. 50 meters मतलब कितना distance हो गया पता है बेटा? हमारा पूरा जो skating ring है ना, हमारा पूरा skating ring, वो भी 50 meter का शायद से होगा. आपका hall इतना बड़ा है, right? Okay, Dhruv, that is correct answer. 500 meters. Very good. Good job.
Right. Is there anyone who lives nearby, let's say, Anand bus station? Anand bus station ke nazdeek mein kaun rehta hai? Anand bus station ke nazdeek mein kaun rehta hai? Message mein dalo. Chat box mein mujhe message karo. Kaun rehta hai yahan se nazdeek mein Anand mein? या फिर विद्यानगर में रहते हैं तो विद्यानगर में बाकरोल के आसपास कौन रहता है? कृष्णा. कृष्णा, यस कृष्णा. हाँ बेटा, कहाँ पे रहते हो आप? बाकरोल में रहते हो? कहाँ पे बाकरोल? नहीं, बस स्टॉप. सॉरी, बस स्टॉप के कहाँ? कौन सा बस स्टॉप? ये जो अभी नया बना है ना उसके आगे. अच्छा, तो वहां से आनंद बस स्टॉप से हमारी स्कूल तक का डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली कितना होगा? नॉट एग्जैक्ट, अप्रोक्सीमेटली 200 मीटर. थोड़ा तो ज्यादा. 200 किलोमीटर. तो 200 किलोमीटर तो यहां से अमरेली हो गया. और सर, एक क्वेश्चन पूछना था मुझे. बोलो. आपने कल मुझसे कहा कि इस कंपास बॉक्स को बड़ी स्केल से लेंथ करने का. हाँ, तो ये बड़ी स्केल से मैंने छोटी स्केल किया. से छोटी स्केल से करना है. पूरी बड़ी है. हाँ, ये देखो पूरा. हाँ, कंपास आ गया. वेरी गुड. पर ये समझ लो बैग है. हुँ. पर इतना की है बड़ी स्केल से भी नहीं, और फिर इतना भी बचा. एक मिनट. तो फिर हम ये छोटी स्केल से और बार करेंगे तो भी नीचे आदमी रहती है. अभी मैं बोलू? हाँ. ओके. शेप्स जब अलग होते हैं ना, जैसे कि ये बोतल वाला शेप है, जैसे कि ये मेरी बोतल, राइट? तो यहां से शेप हमें अलग हो जाएगा. जब शेप स्ट्रेट नहीं होता है तो उसका मेजरमेंट थोड़ा अलग से हो जाता है. जैसे कि मेरी कमर, राइट? अगर मुझे मेरी कमर मेजर करनी है तो वो तो राउंड है ना, और स्केल तो हमारी स्ट्रेट है. तो कैसे करेंगे? तो हमें लेना पड़ेगा एक थ्रेड. क्या लेना पड़ेगा? थ्रेड, थ्रेड. या फिर वो टेलर्स के पास जो होती है ना मेजरिंग टेप, विच इज फ्लेक्सिबल, टेलर्स के पास होती है, राइट? जो जिसे हम पूरा गोल गोल घुमा सकते हैं, राइट? वैसे लेकर के हम मेजर कर सकते हैं और फिर उसको पूरा खोल के, जैसे कि मान लो मुझे ये मेजर करना है बोतल का ये कितना लंबा है, राइट? कितना गोल है ये, राइट? तो मैं क्या करूंगा कि ऐसे यहां से पकड़ लूंगा. ये मेरा केबल है तो मैंने इसको यहां से घुमा करके ये पूरा ले लिया, ठीक है? तो इतना डिस्टेंस मुझे मिल गया, राइट? अभी मैं क्या करूंगा, इसे खोल दूंगा. ओके. फिर इतनी लेंथ है तो अभी इसको मैं सीधा रख सकता हूं स्केल पर, राइट? अभी इतनी बड़ी स्केल तो मेरे पास है नहीं, छोटी वाली स्केल है, ठीक है? तो अनफॉर्चुनेटली मेरी स्केल कोई लेकर के गया. तो अभी देखो ये मेरी स्केल है, मान लेते हैं, ठीक है? ये मेरी स्केल है, दिख रहा है आपको अच्छे से? हाँ, ठीक है. तो यहां से मुझे मेजर करना है और यहाँ पे एंड है, तो मैं यहां से शुरू करता हूँ, ठीक है? ये यहां से मैंने पकड़ा तो ये हो गया 15 सेंटीमीटर. अभी यहाँ पे आ रहा है, दिख रहा है आपको अच्छे से? यस. हाँ, ठीक है. ओके. तो यहां पे फिर से पकड़ लिया, यहां से छोड़ के ये 15 सेंटीमीटर हो गया. फिर यहाँ पे फिर से रख लिया और यहां से फिर से मेजर करेंगे 15 सेंटीमीटर के बाद. फिर से एक और पूरी स्केल आ गई फिर से. तो 15 प्लस 15 कर देना है. 15 प्लस 30. वेरी गुड. 30. तो मेरी बोतल का राउंड शेप है, राइट? तो ये लेंथ कितनी होगी, उसका डायामीटर बोलते हैं उसको. जब सर्कल्स पढ़ेंगे तब ये पोर्शन भी सिखाऊंगा मैं, है ना? तो वो डायामीटर जो है, वो डायामीटर कितने सेंटीमीटर का हो गया? 30 सेंटीमीटर का, ठीक है? 30 सेंटीमीटर. वेरी गुड. डायामीटर नहीं, सॉरी, दैट इज नॉट डायामीटर, दैट इज सर्कमफेरेंस, है ना? वो सर्कमफेरेंस है. डायामीटर क्या है, सर्कमफेरेंस क्या है, रेडियस क्या है, वो सब हम जब सर्कल्स वाला चैप्टर लेंगे तब करेंगे, ठीक है? हाँ सर, वो सर्कल वाला चैप्टर है. यस. ओके, दैट्स इट.
Now let's learn something new today, which is addition and subtraction of measurements. है ना? चलो वो करते हैं अभी. तो कल हमने यहां तक किया था पूरा, अभी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. ठीक है, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे. पे अटेंशन. ठीक है, नोट डाउन कर लो. चलो आपकी नोट्स में लिखना शुरू करो. मीटर और सेंटीमीटर को लाइन में खड़ा करना है, अच्छे से उसको टेबल फॉर्म में लिखना है. कॉलम अच्छे एक के बाद एक ही होनी चाहिए, है ना? चलो वेरी इजी एडिशन. चलो करो, लिख लो नोट में फटाफट. हाफ्स एंड क्वार्टर्स. हाफ गलत लिख दिया निर्वा, हाल्स है. HALVES. यस इन नोटबुक. कम ऑन स्टार्ट राइटिंग, डू इट क्विक. फटाफट लिखना है ऋषिराज, जल्दी से लिखो. Good. I'm going to the next example. Come on, everyone. Do it fast, huh? I'm taking too much time. Good. Chalo, next one. Right? Next example where we are going to write kilometer and meter. 5 kilometer, 526 meters. 3 kilometer and 679 meters. Okay? Right? So 9 plus 6, 15. Sorry. 1 carried over. 2 plus 1, 3. 3 plus 7, 10. 1 carried over. 5 plus 1, 6. 6 plus 6, 12. Okay? Now 5 plus 3, 8. Now we have got 1205 meter. But we know that 1000 meter is equal to 1 kilometer. So what do we write? 1 kilometer and 205 meter. So 1 kilometer has to be added to 8. So final answer is 9 kilometer and 205 meter. This is your answer. Come on, finish it up. Do it quick. Faster, faster, faster.
ध्रुव तिवारी, व्हाट इज एस्टिमेट? एस्टिमेट का मतलब होता है गेस करना कि ये शायद इतना लंबा होगा, इतना छोटा सा होगा, वो दैट इज एस्टिमेट बेटा. कम ऑन. यस कृष्णा बोलो. सर अभी आपने 6 लिखा, 12 1 ऊपर नहीं आएगा. ये बाजू में क्या किया बेटा? ये वैसा नहीं कह रही अभी. हाँ, नहीं आप नहीं, वो मीटर में है, वो मीटर में हो रहा है. नहीं वो मीटर में होता है, वो वैसे अभी करोगे तो बाद में सबट्रैक्शन में प्रॉब्लम होगा, इसीलिए मैं ऐसे करवाता हूँ कि उसको अलग से सेपरेट करके फिर ऐड करना. यस किया, यू हैव अ डाउट टेल मी. यस किया सर, आपने आंसर में 5 एडिशन 3 में 8 लिखा है और आपने जो आंसर में बॉक्स करके लिखा वहां पे 9 लिखा है. हाँ तो ये 1 कहाँ गया? भूख लगी है? हाँ मम्मी को बोलो नाश्ता दे, है ना? लेकिन क्लास खत्म होने के बाद ये 1 किलोमीटर ये देखो ये 1 किलोमीटर यहाँ पे जा रहा है और यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो टोटल क्या हो जाएगा? 8 प्लस 1. और सीनियर केजी में सिखाया था ना 8 प्लस 1. हाँ तो 9 किलोमीटर 205 मीटर इज द आंसर. ओके गुड, वेरी गुड. कम ऑन नेक्स्ट एग्जांपल. सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर्स, कम ऑन. राइट, 56 सेंटीमीटर 6 मिलीमीटर, 34 सेंटीमीटर 7 मिलीमीटर, सो वी हैव टू ऐड देम, राइट? सो 7 प्लस 6 इज 13 mm, राइट? नाउ हियर 6 प्लस 4 इज 10, 1 कैरीड ओवर, 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 3 9, बट 13 mm, राइट? सो वी नो दैट 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, सो 13 mm इट बिकम्स 1 सेंटीमीटर एंड 3 मिलीमीटर. तो ये 1 सेंटीमीटर कहाँ पे जाएगा? ऐड हो जाएगा यहाँ पे. तो आंसर क्या होगा? 91 सेंटीमीटर 3 मिलीमीटर, सॉरी जगह कम पड़ गई मुझे, मेरी नोट बहुत छोटी है. खुशी ठक्कर, दिस इज नॉट द वे टू टॉक टू एनीवन. डोंट टाइप एन अननेसेसरी मैसेजेस, अदरवाइज आई विल रिमूव यू फ्रॉम द क्लास. ओके जय दर्जी, बोलो बेटा क्या कहना है आपको? सर जब कार का मेजर करना है लेंथ तो कैसे होगा? कार का भी गेस करना है. अगर कार का पूरा मेजर करना है तो आपको उतना वो, मैंने जैसे अभी इसमें सिखाया ना बोतल में, वैसे ही एक मीटर वाली ले आना है स्केल, और एक थ्रेड से कर सकते हो, कोई एक दूरी से कर सकते हो, अलग अलग तरीके से कर सकते हो आप. ओके यस राइट ओके डन. लोअर हैंड देन नंदानी. यस नंदानी. यस पलक बोलो बेटा, यू हैव अ क्वेश्चन. सर आपने पहले कहा था कि वो जो टेलर के पास जो मेजर करने का वो आता है राउंड वाला, उससे हम कर सकते हैं, पर सर हम लोग ऐसे ऐसे भी तो कर सकते हैं ना? कैसे? हाँ लेकिन वो पूरा, लेकिन दैट विल दैट बी एग्जैक्ट? क्योंकि आपका ये इतना अलग है, मेरा इतना हो जाएगा, मम्मी का इतना हो सकता है ना? राइट, सो इट वॉन्ट बी सेम, दैट इज नॉट स्टैंडर्ड. राइट, वी नीड स्टैंडर्ड यूनिट्स. ये आप पिछले साल पढ़े हो बेटा, थर्ड स्टैंडर्ड में आपको पढ़ाया था स्टैंडर्ड एंड नॉन स्टैंडर्ड. नॉन स्टैंडर्ड में पढ़ा था ना, राइट, हैंड स्पैन, फुट स्पैन, वो सब पढ़ा था लास्ट ईयर.
ओके नाउ नंदानी, यस नंदानी बोलो बेटा, अनम्यूट करो। सर मेरा नाम नंदानी नहीं है। तो नाम क्या? नंदिनी। नंदिनी आपने, नंदिनी आपने स्क्रीन पर आपका नाम लिखा हुआ है नंदानी, मैं क्या करूं बताओ, है ना? इट्स नंदिनी। ओके फाइन, आई विल रिमेम्बर इट नाउ। ओके थैंक यू फॉर करेक्टिंग। ओके सिद्धि यू विल गेट योर चांस, वेट। ओके राइट, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? नो नंदिनी, नो। ओके फाइन, खुशी ठक्कर बोलो। खुशी, अरे खुशी, हाँ खुशी बोलो। खुशी बोलो, अरे खुशी बोलो, आपको मैंने अनम्यूट किया है। हाँ सिद्धि बोलो। सर आपने कहा था ना कि वो आपने मैथमेटिक्स की टेक्स्ट बुक है ना, उसे लेंथ करना है, तो मैंने किया था, पर उसमें फिर मुझे एडिशन भी करना पड़ा और मुझे वो नहीं आया। हाँ तो फिर से ट्राई करो, आज पापा की हेल्प लो, मम्मी की हेल्प ले सकते हो, उसमें कुछ बड़ी बात नहीं है, सिंपल है ना। ये अगर टेक्स्ट बुक है तो ये 1 सेंटीमीटर, फिर यहाँ पे मार्क कर दो, फिर से वहीं से स्टार्ट करो, फाइनली ऐड कर दो, इजी। सर वैसे नहीं, मतलब कि मुझे पॉइंट आया था। हाँ कोई बात नहीं बेटा, पॉइंट में हो सकता है, 27.6 के करीबन होगा आंसर, है ना? ओके सो इट इज फाइन। यस आदित्य बोलो। सर मैं लेट जॉइन हुआ था नेटवर्क। कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, एज यूजुअल आई विल अपलोड इट ऑन द यूट्यूब, डोंट वरी। बोलो आयुष। सर आप जब थोड़ा सम समझा रहे थे ना, तभी मैंने आंसर भी लिख लिया था। वेरी गुड, गुड जॉब। ओके ओके वेल दैट्स इट फॉर द डे देन, राइट? मैं आपको क्लास डायरी में मैसेज डालूंगा, और आज रिमेम्बर एवरीवन, आज जरा ध्यान दो यहाँ पे एवरीवन, राइट? प्लीज पे अटेंशन, ये पूरा सेशन मैं यूट्यूब पर अपलोड करूंगा, लेकिन उसकी लिंक मैं व्हाट्सएप पे नहीं डालने वाला हूँ, लिंक आपको मिलेगी एमसीबी, ठीक है? एमसीबी से होकर के जाना है वो लिंक पे। ओके तो वो आपको करना है। अभी कृष्णा को डाउट है, चलो कृष्णा फाइनल क्वेश्चन बोलो बेटा। सर अभी आपने जो ये थर्ड क्वेश्चन करवाया है ना, उसके अंदर 90 आएगा, तो 13 में 1 कैसे कट गया? 7 प्लस 6 कैसे हो गया? 7 प्लस 6 क्या होगा? ऐसा नहीं कह रही मैं, 7 प्लस 6 क्या होगा ये बताओ। 7 प्लस 6 13 13 mm हो गया, तो 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, राइट? तो 13 मिलीमीटर इज इक्वल टू व्हाट, 1 सेंटीमीटर एंड 3 मिलीमीटर, राइट? तो वो 1 सेंटीमीटर कहाँ पे जाएगा, वो 90 में ऐड हो जाएगा ना। ओके सो 90 प्लस 1 क्या होता है? 91। हाँ मिल गया आंसर। ओके बाय बाय एवरीवन, दैट्स इट फॉर द डे।